बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 12,000। तो भाई अगर आपका भी बजट 12,000 है, 12,000 के बजट में आप अच्छी रील्स बनाना चाहते हो, टिकटॉक बनाना चाहते हो, फोटोज लेना चाहते हो, अच्छी सेल्फी वगैरह लेना चाहते हो, मतलब अगर आप कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना यार, उसके बाद मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डोमिनोज, वेलकम टू द ऑजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। अगर चैनल पर नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, करें इंस्टाग्राम पे करो फॉलो यार, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। तो यार मैं आज आपको नंबर वाइज फोन बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं यार, नंबर 4 पर मैंने रखा है Macromax InNote 1। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले आपको 11,000 के बजट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अभी इस फोन की खासियत की बात करता हूँ, लाइक जैसे यार रेडमी हो गया, पोको हो गया, ओप्पो हो गया ना, उनमें आपको एड्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। इस स्मार्टफोन में आपको एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलती, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। प्लस ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, ठीक है। तो भाई अगर आपने जाना है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की ओर, तो भाई आप जा सकते हो। अभी कैमरे की बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आपको कोर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको 16 मेगापिक्सल के साथ पंचोल सेल्फी भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। 4GB रैम के साथ आपको देखने को मिलेगा, प्लस इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर आपने जाना है Macromax InNote 1 की ओर, आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ चाउड करना है, चाउड भी कर सकते हो। चाउड करने के कौन सा यार पैसे लगते हैं। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को Helio G85 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, ये 4GB रैम के साथ आता है, एंड स्टोरेज वेरिएंट आपको दो देखने को मिलेंगे, 64GB एंड 128GB, जो भी आपके बजट में सेट बैठेगा। तो जितनी भी आपको स्टोरेज चाहिए आप उसकी ओर जा सकते हो। बैटरी की बात करूं, आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, सॉरी पहले 6000mAh की कहने लगा था। प्लस आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बातों को कोर कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करूं, आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। अभी प्राइस की बात करूं, आपको 11,000 के बजट में Macromax नोट 1 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Macromax InNote 1 के। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की ओर अगर आप जाना चाहते हो, तो भाई आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ चाउड करना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक बार चाउड कर लेना। अगर आपको पसंद आता है आप जा सकते हो। लेकिन जो मैं आगे फोन बताऊंगा वो और भी ज़्यादा लोडेड होने वाले हैं कैमरे के रिलेटेड। भाई आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं या नंबर 3 पर मैंने रखा है Redmi 9 Power। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले यार ये नया लॉन्च हुआ, उसके साथ साथ आपको साइड में फिंगरप्रिंट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, एंड इसका प्राइस वगैरह भी आपको सही मिल जाता है। एंड ये 4 से 5 कलर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी मतलब आपको कलर सही लगता है भी आप उसकी ओर जा सकते हो। एंड भाई आप नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग वगैरह भी कर सकोगे। आपको प्रोसेसर भी ठीक देखने को मिल जाता है, आपको कोर कैमरा सेटअप मिल जाता है, प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्लस पॉइंट की बात करूं, आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने फोटोज रील्स वगैरह बनानी है, आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, एंड अगर आपने ज़्यादा ही गेमिंग वगैरह करनी है, 12,000 के बजट में आप फ़ोन देख रहे हो जिस पे आप गेमिंग करना चाहते हो, तब भी आपकी जो बैटरी लेवल है वो कम जल्दी नहीं होने वाला, जो कि स्मार्टफोन का सच में प्लस पॉइंट आ जाता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.63 इंच IPS LCD देखने को मिल जाते हैं, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी यार नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करवा देगा। मैं हाई लेवल इसीलिए नहीं कह रहा बिकॉज आपको लैगिंग इशू वगैरह देखने को मिल सकती है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 4GB रैम मिल जाती है, ये भी 2 मिनट में देखने को मिलेगा, 64GB एंड 128GB, जो भी बजट में सेट बैठता आप उसके और जा सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जर एंड रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। कैमरे की बात करूँ, आपको कोर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि आपकी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग या अच्छी फोटोज वगैरह क्लिक कर देगा, ठीक है। आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ आपको कोर कैमरा मिल जाता है। सेल्फी की बात करूँ, आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, ये स्मार्टफोन भी आपको 11,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi 9 Power के। अभी आप देख लेना, अगर आपका 11,000 बजट है, अगर आपने Macromax की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने Redmi की ओर जाना आप जा सकते हो। लेकिन जो मैं आगे फोन बताने वाला हूँ वो इससे भी बहुत तगड़े होने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहना, इसके ऊपर मत करना। भाई आगे बात करते हैं
नंबर टू की। नंबर टू की बात करूँ यार, नंबर टू पर मैंने रखा है मोटो जी नाइन। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो सबसे पहले यार मोटो ब्रांड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है एंड इस प्राइस रेंज में मोटो सच में बहुत सही काम कर रहा है, मतलब सही फीचर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है आपको इस स्मार्टफोन में। एंड इस फोन के जो कलर आते हैं ना वो डिफरेंट शेड में देखने को मिलेगा एंड इसका कलर वगैरह एंड डिज़ाइन लुक वगैरह आपको सिंपल एंड एक सुपर डिज़ाइन जहाँ देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने जाना है मोटो जी नाइन पावर की ओर तो भाई आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ इसको चेकआउट करना है भाई आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी कैमरे की बात करते हैं, आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है वो भी 64 मेगापिक्सल के साथ। आपको 6000 एमएच की बैटरी मिल जाती है, 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। अपने मेन टॉपिक की बात करें तो अपने मेन टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए इसका कैमरा सच में बहुत तगड़ा मिल जाता है। आपको 12000 के बजट में मोटो जी नाइन पावर देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 6.8 इंच IPS LCD देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिल जाते हैं, आपके नॉर्मल सेटिंग पे भी गेमिंग करवा देगा। जैसे स्टोरेज की बात करूं आपको 4GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 20W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel। सेल्फी की बात करूं आपको 16 megapixel के साथ सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं आपको 12000 के बजट में मोटो जी नाइन पावर देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको मोटो जी नाइन पावर के भी बता दिए, ये फोन भी आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए, बैटरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है, ठीक है। प्रोसेसर इतना खास नहीं कह सकता बिकॉज यार 12000 के बजट में आपको इतना भी तगड़ा प्रोसेसर नहीं देखने को मिलने वाला जिसपे आप बहुत तगड़ी गेमिंग कर सको, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल सेटिंग भी करनी है आप कर सकते हो, नॉर्मल सेटिंग भी आप इजिली कर सकते हो, लेकिन हाई ग्राफिक पे मैं आपको नहीं कह रहा। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ यार, नंबर वन पर मैंने रखा Redmi Note 9। तो यार सबसे पहले मैं आपको इतनी चीज कहना चाहता हूँ कि इसका जो डिजाइन है, जो कलर है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। चाहे इसको कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए, चाहे डिजाइन, चाहे कलर एंड डिस्प्ले भी आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है। इसकी खासियत की बात कर लेते हैं, खासियत सबसे पहले तो यार इसका डिज़ाइन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। प्लस अगर आपने इस पर गेमिंग वगैरह भी करनी है भाई आप कर सकते हैं, आपको IPS LCD मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपको एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए, मतलब अगर आपने 12000 पे करना है उसमें आपको एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए, अच्छे कलर चाहिए, कैमरे के अकॉर्डिंग फ़ोन चाहिए, गेमिंग भी करना चाहते हो उसके साथ साथ आपको डिस्प्ले भी अच्छी चाहिए, तब आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है Redmi Note 9, ठीक है। अगर मेरा बजट भी 12000 होता ना तो भाई मैं भी जाता Redmi Note 9 की, और बिकॉज मुझे डिज़ाइन भी मैटर करता है, ठीक है। अगर मैं 12000 किसी को पे करूँगा मुझे डिज़ाइन भी एंड लुक एंड उसके कलर वगैरह भी बहुत सही चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो यार डिस्प्ले की बात तो हमको 6.53 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको Helio G85 देखने को मिल जाता है जो कि तगड़ा है भाई, अगर आपने गेमिंग करनी है आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ आपको ये दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB रैम एंड 6GB रैम, जो भी बजट में सेट बैठता भाई आप उसकी ओर जा सकते हो। प्लस 64GB स्टोरेज प्लस 128GB स्टोरेज, जो भी मतलब आप लेना चाहते हो भाई आप ले सकते हो, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। बैटरी की बात करूं आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी। प्लस आपको 22.5W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। कैमरे की बात करूँ आपको क्वाड कैमरा साइड मिल जाता है 48 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस। इसके कैमरा एप्लीकेशन में आपको ऐसे बहुत फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी फोटोज होगी या वीडियोस होगी उसको बहुत सही जो शूट है वो कर देगा, ठीक है। सेल्फी की बातों को 3 megapixel सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बातों को 11500 के बजट में Redmi Note 9 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Redmi Note 9 के भी बता दिए, ये स्मार्टफोन भी आपको सच में पूरा अपर देखने को मिल जाता है। तो आप देख लेना जो भी आपके बजट में सेट बैठेगा या जो भी आप लेना चाहते हो भी आप ले सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यार यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक यार, इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। प्लस भाई अगर मेरा बजट भी 12000 होता मैं आपको रिपीट कर देता हूँ भाई मैं भी जाता Redmi Note 9 की, और बिकॉज आपको डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, डिज़ाइन एंड कलर बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं एंड Redmi एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है भाई, हाथ में पकड़ा होगा, होल्ड किया होगा, वो लुक अच्छी देगा, ठीक है। अगर आपने लेना है तो ग्रे कलर में ट्राई कर लेना, मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद लगता है भाई। अभी आगे बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई नया गैजेट लेकर आएंगे आपको बताएंगे यार। तो थैंक यू।